एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जब आपका आईवीएफ पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और क्या मेरा डाइट प्लान था और क्या आप लोगों के लिए डाइट प्लान है, वो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जब आपका आईवीएफ पॉजिटिव आ जाता है तो उसके 15 दिन होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर उसमें ब्लीडिंग हो जाती है आपको तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अपना उस टाइम पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो वो जब आपका फर्स्ट स्कैन से पहले का टाइम होता है तो उसमें आपको जो आपने 2 वीक्स वेट में किया है बस वही चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। तो अब बात करते हैं डाइट प्लान की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपको आईवीएफ प्रेगनेंसी या नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी क्या चीज़ें नहीं खानी है। नंबर 1 पे है पपाया। तो जो रॉ पपाया होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि अबॉर्शन हो सकता है, तो हमें वो बिल्कुल अवॉइड करना है। वैसे तो रॉ पपाया में होती है लेकिन आपको पपाया ऑल टुगेदर जो है अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2 पे है चीकू। चीकू भी की तासीर भी गर्म होती है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। खट्टे अंगूर जो होते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे जो होते हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं। और पाइनएप्पल वैसे तो बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है लेकिन उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद आता है, फिर हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो नहीं लेने चाहिए क्योंकि उनकी तासीर गर्म होती है। वैसे तो ड्राई फ्रूट्स में विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम सब बहुत होता है लेकिन आपको उसको सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करना है। और खजूर तो आपको ऑल टुगेदर नहीं खाना है, पूरी प्रेगनेंसी में अवॉइड करिए। और उसके बाद आता है फिशेज, जिसमें मरकरी बहुत होता है, और जो अंडर कुक्ड जो भी मीट वगैरह है ये आपको अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो आप कोरोना टाइम है तो आपको नॉनवेज से दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और जो एग होते हैं वो भी रॉ एग आप अवॉइड करें, मतलब कि कच्चे एग आपको अवॉइड करने हैं। कोई भी कच्ची चीज़ जो कि अंडर कुक्ड होती है, जैसे कि आपको स्प्राउट्स है वो आपको कच्चे नहीं खाने हैं, उनको आप बॉईल करके खाइए या फिर स्टीम में आपको उनको पका कर खाइए। कोई भी चीज़ आपको बिना वॉश करे नहीं खानी है। वैसे तो हम सब करते ही हैं लेकिन फिर भी आपको उनको अच्छे से वॉश करना है क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं वो कच्चे खाए जाते हैं, तो इसको उनको अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। उन पर अच्छे पेस्टिसाइड्स होते हैं, उन पर जर्म्स भी होते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से वॉश करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बेकिंग सोडा को पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को भिगो कर रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद उनको नल के पानी से धोकर उन्हें हम खा सकते हैं, खास करके फ्रूट्स को क्योंकि वो कच्चे खाए जाते हैं। तो आप वेजिटेबल्स को भी इसी तरह धो सकते हैं। फिर आता है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो चाइनीज फूड में डलता है, जो मार्केट में फूड मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको बिल्कुल ऑल टुगेदर अवॉइड करना है क्योंकि उसमें आपको अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो अबॉर्शन कॉजिंग एजेंट है, तो इसलिए आपको उसको बिल्कुल नहीं खाना है। आप जब घर में भी कोई चाइनीज चीज़ बना रहे हैं तो आप बिना अजीनोमोटो के बनाइए। बाकी उसके बाद आता है बहुत ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि देखिए जब हम आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की टैबलेट्स होती हैं वो चलती हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी होने के बाद भी कंटिन्यू रहती है, तो उसमें हमारे जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है वो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को प्रमोट करता है, हमारे जो डाइजेशन है उसको कम कर देता है। तो इसलिए अगर हम बाहर का बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाएंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो इसीलिए हम बाहर का ज़्यादा तला हुआ खाना, घर का भी ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना हम अवॉइड करना है। वैसे मैं अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने पत्ता गोभी भी अवॉइड करी थी, कैबेज। इसके अलावा आपको अनपॉस्चराइज्ड मिल्क नहीं लेना, चीज़ नहीं लेना, और जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो अवॉइड करने हैं आपको, और जहाँ तक हो सके जो कैंट जो टिन होते हैं वो आप अवॉइड करिए, और जो जूस होते हैं जो पैकेट वाले जूसेस होते हैं वो अवॉइड करिए। आप फ्रेश जूसेस ले सकते हैं लेकिन पैकेट वाले जूसेस अवॉइड करने हैं आपको। बाकी वेजिटेबल्स में ऐसा कुछ नहीं है अवॉइड करने वाला, और दालों में भी जो बहुत ज़्यादा गर्म दालें हैं वो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि चने की दाल है वो थोड़ी सी ज़्यादा गर्म रहती है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। खाली चने हैं, जो खाली चने आप अवॉइड कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा शुगर की चीज़ें हैं आप वो अवॉइड करें क्योंकि इसमें आपको ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कई बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं मीठे के लिए, तो आप उसको थोड़ा सा कम करिए, और गूंद से बने लड्डू या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू को आपको अवॉइड करना है मीठे में। और बहुत सारा कोई भी आप एक्चुअली स्वीट्स को आप अवॉइड करें, जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी आपको नहीं खाना, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली क्या खाना चाहिए। तो मैं देखिए फ्रूट्स में जो मैंने बताए हैं अवॉइड करने का, उसको छोड़कर आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। ऑरेंज,
गुआवा, बनाना, एप्पल, ये सब बहुत अच्छे रहते हैं। और ओट्स आप ले सकते हैं, ओट्स मेरी लाइफ सेवर था, मैंने बहुत अपनी प्रेगनेंसी में ओट्स खाए हैं। और आप जो मल्टीग्रेन आटा है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आप एक टाइम यूज़ करिए, बाकी टाइम अपना आप वीट फ्लोर ही यूज़ करिए, क्योंकि थोड़ा सा वो गर्म हो जाता है। मल्टीग्रेन आटा आप सेकेंड ट्राइमेस्टर से मल्टीग्रेन जो है वो, या फिर थर्ड मंथ से आप मल्टीग्रेन आटा जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं तीनों टाइम। और उससे पहले आप एक टाइम मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, बाकी टाइम वीट का वीट फ्लोर ले सकते हैं। तो बाकी वेजिटेबल्स तो आप सारी ही ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी रहती हैं, लाइक ब्रोकली है बहुत अच्छी, बीन्स हैं बहुत अच्छी रहती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छी रहती हैं, लेकिन आपको कम क्वांटिटी में लेनी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं और फर्स्ट 15 डेज तो आपको अवॉइड ही करनी है, और उसके बाद आप कम क्वांटिटी में इसको ले सकते हैं। उसके बाद आती हैं जो आपका मखाना होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, उसमें कैल्शियम होता है, आप उसको खाइए वो बहुत अच्छा रहता है। साबूदाना आप खा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आपको जो है वो आपको कोई भी फर्स्ट टाइम ट्राई नहीं करनी है। अगर आप ये मेरे वीडियो जब देख रहे हैं, आप अभी प्रेगनेंट नहीं है, तो आप ये पहले आप ट्राई करिए। अगर आप इन चीज़ों से आपको कोई एलर्जी नहीं है, आपको सूट करती हैं, तब भी आप इसको प्रेगनेंसी में भी खाइए। और जितनी किसी भी चीज़ पर अगर आपको डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें खाने से पहले। तो बेसिकली आपको अपनी अपनी डाइट में दालें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्नैक्स में आपका हो गया साबूदाना, मखाना, और कोई भी होममेड आप स्नैक्स ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा तला हुआ ना हो। आप बेक करी हुई चीज़ें भी खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में आपको खानी है। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, पनीर है जो कि बहुत अच्छा रहता है, इससे आपके बेबी का वेट भी जल्दी गेन होगा। मिल्क है जो कि पॉश्चराइज्ड होना चाहिए, और हो सके तो मैं तो टोन मिल्क लेती थी। तो जितना डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। दही तो बहुत ज़्यादा लाइफ सेवर है, जब ब्लीडिंग हुई थी मुझे तब मैं दही ही लेती थी। तो दही तो आपको अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यह दही आप सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठ के एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो, खासकर उस टाइम पे। और अगर नहीं भी है तो भी आप दही को तो आपको डाइट में इंक्लूड करना ही है। अब बात करते हैं प्रॉपर डाइट चार्ट की। तो सबसे पहले आप जब एम्प्टी स्टमक होते हैं सुबह मॉर्निंग में ही, बिना ब्रश करे अपने बेड पे ही आप होते हैं, तो अपने बेड पे ही आप बिस्किट या फिर कोई फ्रूट वॉशर के रखें, और आप उठने से पहले, बेड पे से उठने से पहले ही एम्प्टी स्टमक बिल्कुल बिना ब्रश करें आप बिस्किट ले सकते हैं, या कोई फ्रूट ले सकते हैं, या फिर आप दही ले सकते हैं अगर आपको दही अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें आप करो ताकि आपको नौजिया या वॉमिटिंग ना हो, क्योंकि जो नौजिया और वॉमिटिंग जो होती है वो एसिडिटी की वजह से होती है ज़्यादातर प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो आप अगर आप उठते ही कुछ खा लेंगे तो आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम या नौजिया की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर जब आप उठ जाते हैं, ब्रश वगैरह आप कर लेते हैं, उसके बाद आप उसमें आप सबसे पहले आप दही ले सकते हैं, या फिर आप कोई फ्रूट चाट ले सकते हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं जो मैं आपको बताया, या फिर आप दही ले सकते हैं। तो ये आपको उठते ही आपको लेना है, या फिर कुछ लोग नींबू पानी भी ले सकते हैं हनी के साथ, वो भी आप ले सकते हैं, प्रॉपर मिल्क ले सकते हैं। और उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का टाइम है 8 से 9 का, उससे पहले आपने ये सब ले लिया दही वगैरह, उसके बाद 8 से 9 के, मैं आपको एक टेंटेटिव बता रही हूँ, 8 से 9 के टाइम आपको ब्रेकफास्ट में, साउथ इंडियन जो होता है वो बहुत मेरा फेवरेट था पर्सनली, तो उसमें आपको इडली जो कि मल्टीग्रेन इडली हो सकती है, पोहा हो सकता है, और डोसा हो सकता है, सांभर डोसा हो सकता है, दाल रोटी हो सकती है, और कोई स्टफ़ पराठा हो सकता है, लाइक पनीर का पराठा हो सकता है, साथ में मिल्क हो सकता है, या टी हो सकती है, दही हो सकती है, और चीला हो सकता है, मूंग की दाल का चीला भी मेरा फेवरेट था, तो ओटमील हो सकता है, ओट्स की खिचड़ी हो सकती है, ओट्स का चीला हो सकता है। तो ये ब्रेकफास्ट में आपकी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आप अगर आप इनमें से कुछ नहीं सकते तो आप वेजिटेबल सूप हो सकता है, वेजिटेबल ओट्स या फिर उपमा जिसे हम बोलते हैं सूजी का, वो 11 बजे। देखिए प्रेगनेंसी में हमें बीच में भी भूख लग जाती है, क्योंकि हमें 4 से 6 मील आपको लेने होते हैं, हमें एक साथ पेट भर के नहीं खाना है, क्योंकि उससे आपकी ब्लड शुगर जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी और आपको वैसे भी डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए 11 से 6 में आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, फिर से दही ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी वेजिटेबल सैलड ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं वेजिटेबल। तो ये 11 से 12 के बीच का हो गया। उसके बाद लंच होना चाहिए आपका बिल्कुल प्रॉपर, उसमें दाल,
रोटी सब्जी और सलाद होना चाहिए, दही होनी चाहिए, ये पांच चीज़ें तो होनी चाहिए। आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि आपको फाइव कलर के जो वेजिटेबल हैं उनको हर रोज़ आपकी डाइट में शामिल करें। जैसे एक दिन आपको रेड कलर का कुछ लेना है, आपको दूसरे दिन ग्रीन कलर का लेना है वेजिटेबल, तीसरे दिन आपको येलो कलर का, फोर्थ डे आपको कोई भी पर्पल कलर का। इस तरीके से जो फाइव कलर होते हैं आपको वेजिटेबल की, आपको वो हर डे लेने हैं, यानी कि फाइव ऑल फाइव कलर्स आपको अपनी लाइफ डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। तो ये आपका मेन जो मील है लंच वो हो गया। उसके बाद टी टाइम आता है चार से छः के बीच में, चार या पाँच या छः के बीच में। उसमें आप दूध के साथ या तो दूध के साथ टोस्ट ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, या आपको जो भी पसंद हो वो ले सकते हैं। उसके बाद आता है डिनर। डिनर भी आपको थोड़ा सा हल्का रखना है क्योंकि उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वही दाल के साथ रोटी ले सकते हैं, सब्जी के और उसके साथ आपको एक वेजिटेबल लेनी है। वेजिटेबल की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, रोटी की क्वांटिटी कम रखिए। तो दाल, रोटी, वेजिटेबल और साथ में आप सैलेड लीजिए। आपको क्या करना है, सैलेड पहले खा लेना है, बाकी चीज़ें जो है सब्जी रोटी वो मेन जो मील है आपको, वो आपको बाद में खाना है। उसके बाद रात को आप दूध के साथ कुछ भी आप हल्का फुल्का ले सकते हैं, जैसे दूध रात को बिस्किट हो गया दूध के साथ, या मखाना हो गया, वो आप टी टाइम में भी आप ले सकते हैं मखाना। तो ये इस तरीके से आपका रात का शेड्यूल। अगर आपको रात को उठ के भूख लगती है तो आप उस टाइम साबूदाना भिगो कर रख सकते हैं। साबूदाना पूरी तरह से कुकड़ होना चाहिए, अंडर कुक नहीं रहना चाहिए। तो रात को उठ कर आप ले सकते हैं, या फिर रात को आप फ्रूट्स ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपको रात को उठ कर भूख लगती है। तो इस तरीके से आपका ये डाइट चार्ट होगा, मैंने कुछ टेंटेटिव बताए हैं।